वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। कुछ दिनों से ये बात काफी चर्चा में है कि इंडियन नेवी के द्वारा फ्रांस की बैराकुडा क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को लिया जा सकता है, और ये खबर फ्रांस की मीडिया में भी काफी चलाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये फ्रांस की बैराकुडा क्लास की सबमरीन इंडियन नेवी के लिए क्या एक आइडियल चॉइस हो सकती है। बैराकुडा क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को फ्रेंच शिपबिल्डर्स नेवल ग्रुप, जिसे DCN या DCNS के नाम से जाना जाता है, के द्वारा बनाया गया है। इसके कंस्ट्रक्शन को सन 2007 में स्टार्ट किया गया था तथा पहली सबमरीन को 2020 में फ्रेंच नेवी में कमीशन किया गया था। इस सबमरीन की टोटल लंबाई 99 मीटर है तथा इसका कुल डिस्प्लेसमेंट 5,300 टन है। इसको पावर देने के लिए इसमें एक K-15 न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाया गया है, जो 150 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो लगभग 200,000 हॉर्स पावर के बराबर है। बात करें इसके स्पीड की, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड पानी के अंदर 25 नॉट, जो कि 46 किलोमीटर पर हावर है, तथा सरफेस पे इसकी स्पीड 26 किलोमीटर पर हावर है। चूँकि ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड हैं, इसीलिए इनकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इसका एंड्यूरेंस 70 डेज का है, क्योंकि 70 डेज के बाद इसे किनारे पे आके फूड सप्लाई को लेना पड़ता है। बात करेंगे कि ये सबमरीन समुद्र के अंदर कितनी गहराई पे जाके ऑपरेट कर सकती है, तो वो 350 मीटर से भी ज्यादा नीचे जाके ऑपरेट कर सकती है, हालांकि एक्चुअल डाटा को क्लासिफाइड रखा गया है। इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए इसके क्रू मेंबर में टोटल 12 ऑफिसर्स तथा 48 सेलर्स काम करते हैं। अब बात करेंगे इसमें इस्तेमाल होने वाले वेपन्स की, क्योंकि इसके वेपन्स ही इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सबमरीन्स में शामिल करते हैं। तो इसके वेपन्स में 4 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब लगे होते हैं, तथा ये सबमरीन एंटी शिप मिसाइल, लैंड अटैक क्रूड मिसाइल तथा सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है। ये सबमरीन माइंस को भी डिप्लॉय कर सकती है। एंटी शिप मिसाइल के तौर पे ये सबमरीन एक्जोसेट एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करती है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, तथा ये मिसाइल सी स्कीमिंग जैसे फीचर्स के साथ आती है, जो इसे बेहद डेडली बना देती है। लैंड अटैक के लिए इस सबमरीन में स्टैम शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्रूज मिसाइल है। इन दोनों मिसाइलों के साथ साथ ये सबमरीन माइका जैसी सरफेस टू एयर मिसाइल को भी फायर कर सकती है, जो किसी भी एरियल टारगेट को 100 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इन सारे वेपन्स के ही वजह से इस सबमरीन को दुनिया की सबसे डेडलीस्ट और बेहतरीन सबमरीन्स में गिना जाता है। अब जानते हैं कि क्या ये सबमरीन इंडियन नेवी के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस सबमरीन को मैच करने के लायक ना ही चाइना के पास कोई सबमरीन है और ना ही पाकिस्तान के पास। हालांकि चाइना के पास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन अवेलेबल हैं, लेकिन वो इस सबमरीन को मैच नहीं कर सकते हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी है बैराकुडा क्लास की सबमरीन से इन्फीरियर है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास एक भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। बैराकुडा क्लास की एक सबमरीन की टोटल कॉस्ट 1.32 बिलियन यूरो है। इस क्लास की 6 पनडुब्बियों की कीमत पाकिस्तान के टोटल एक साल के डिफेंस बजट के बराबर है। इसलिए पाकिस्तान तो सपने में भी ऐसी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर इन सबमरीन्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा, तो इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ने वाली है। जय हिंद।